हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे। सो गाइस, आपको इस चैनल पे विलेज से रिलेटेड ब्लॉगिंग देखने को मिलती है। सो विलेज में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये ज़रूर से देखिए। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलिए, बनिए रहिए लास्ट तक वीडियो पे। आपको वीडियो में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और विलेज से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। सो अभी मेरा सुबह का टाइम है तो मैं अभी काम कर रही हूँ। सो काम निपटा के आज हम क्या करेंगे पूरा दिन, ये आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो अभी घर की क्लीनिंग चली है, खाना वगैरह मैंने बना लिया है, सब अपने अपने काम पे चले गए हैं, कुछ चले गए हैं कुछ घर पे हैं। और मेरा बेबी जो है अभी सोया हुआ है, और अभी जो हूँ घर की क्लीनिंग में ही लगी हुई हूँ। घर की साफ़ सफाई हो गई, खाना खा के अभी बर्तन वॉश करने को रह गए हैं तो बर्तन वॉश हो रहे हैं, तो मैं फटाक से बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। देन उसके बाद जो है क्या करना है वो आपको दिखा देती हूँ। एंड ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता ही होगा कि मैं जो हूँ दूध लाने जाती हूँ, तो वो पहले लेके आऊँगी। उसके बाद जो है आप लोगों से अच्छे से बात करूँगी। और आरुष की क्लिप्स मेरी ब्लॉग में ज़्यादा होती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा है ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ ब्लॉग में उसको डालने के लिए। क्योंकि विलेज में जो हाउसवाइफ होती है उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है सिर्फ घर के कामों के अलावा। सो जो बच्चे होते हैं वो घर में रहने वाले हर इंसान को प्यारे होते हैं, उनकी हर एक्टिविटी जो है हम नोट करते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ें थी पहले लेकिन अब तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ये चीज़ें नोट करती हूँ रिकॉर्ड करती हूँ आरुष की मेमोरी के हिसाब से करती हूँ, तो मेरे पास आरुष की बहुत सारी मेमोरी रह जाएगी। और ये बड़े होके देखेगा तो बहुत इसको अच्छा लगेगा। तो अभी मैं दूध लाने जा रही थी और बाहर का मौसम आप देख रहे होगी कि कैसा है, कोहरा मचा हुआ है, धुंधाई हुई है और ठंड बेशुमार हो चुकी है हिमाचल प्रदेश मंडी में। हाँ जी, मेरा घर मंडी में है और छोटी काशी मंडी में। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे मेरा गाँव है यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको सहन करना मुश्किल ही हो जाता है। सो बारह साढ़े बारह बजे तक जो है धुंध का नाम नहीं होता है जाने का, और जब धूप लगती है तो जल्दी से ही शाम हो जाती है, 3 बजे से पहले पहले ही शाम हो जाती है हमारे यहाँ। तो गाइस बातें बंद करते हैं। एंड अभी बना रही हूँ मैं मैगी, तो आरुष को खानी है मैगी। सो थोड़ा सा खुद के लिए भी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। रेसिपी तो आसान सी है लेकिन कभी कभी होता है कि घर बैठे जो है कुछ चाइनीज़ खाने का मन करता है, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो आप मैगी उबाल ले सकते हैं, मैगी उबालते टाइम आप मैगी का मसाला भी उसमें ऐड कर दीजिएगा। आरुष को सिंपल मैगी खाना पसंद है विदाउट मसाले वाली, तो मैं हल्का सा पहले डाल के उसको बॉईल करके दे दूँगी मैगी को खाने के लिए। और अपने लिए मैं जो कप सूप मिलता है तो उसी को मैं बॉईल कर ले रही हूँ सूप के हिसाब से। तो मैं आज बना रही हूँ थुपका, तो चलो आपके साथ रेसिपी शेयर कर ही देती हूँ। तो एक साइड मैगी उबल रही है और एक साइड रख दिया है मैंने कप वाला सूप। तो सूप मेरा रेडी था और मैगी भी मेरी थोड़ी सी रेडी थी, तो मैं इसको पका के एक बाउल में हल्का सा निकाल लूँगी, थोड़ी सी आरुष को दे दूँगी। तो यूँ ही मन किया तो बनाने का मन हो गया, तो सोचा कि रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे नूडल निकाल लिए हैं थोड़े से अलग, तो इसमें मैं ऐड करूँगी अभी सूप। तो जो सूप आपने बॉईल किया है कप सूप, आप उसी को जो है डाल दीजिए इसमें। और आप चाहो तो सिरका साथ में सॉस वगैरह के साथ इसका इंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं यूँ ही करूँगी क्योंकि कप सूप में मिर्च वगैरह थोड़ी सी होती है तो मुझे ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है, तो मैं यही ऐसे ही ले लूँगी। और चलो इसको इंजॉय कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है ब्लॉग को एंड भी कर दूंगी, लेकिन टी बनाने के बाद। तो चलो मिलती हूँ ब्लॉग के एंड में।
क्या कर रहे हो आप? आप क्या बना रहे हो? किसको? अम्मा को चाय बना रहे हो? हाँ जी। क्या क्या डाला आपने इसमें? मैंने डाला क्या डाला? और मैंने चीनी डाली चीनी डाली और और डाला पानी कुछ और भी नहीं, क्या डाला? और मैंने चाय पत्ती डाली और क्या डाला? और मैं अदरक डाला। क्या डाला? अदरक 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 और नमक डाला। जी। कैसी हो रही है यार उसकी चाय? हाथ रोकना पीछे। अच्छी 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 हो रही है। और इसके इसके बाद क्या डालना आपने इसमें? क्या डालना? ऐसे मत कर। इसके बाद क्या डालना जब ये उबल जाएगी? उसके बाद क्या डालना? अभी नहीं, अभी नहीं। इसमें डालेंगे हम मिल्क, मलाई वाला। क्या माय? मलाई वाला मिल्क। डालो इसमें। अभी नहीं, अभी उबलने दो अच्छे से। पीछे रख मुँह। हाँ जी, किसको देना? काओ को। ठीक है। भूख लगी है काओ को? ठीक है, कौवे को खाना देने गया। हाँ जी, कौवे को भूख लगी है, चलो दे के आओ। उधर नहीं मिली उसको लोटी? ठीक है, दे के। सो गाइस, आरुष चाय बनाते बनाते चला गया कौए को खाना खिलाने। तो अभी मैं इसमें दूध डाल दूंगी और सबको सर्व कर दूंगी चाय। तो चाय वगैरह हम पी लेते हैं और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही था और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो है क्या देखना चाहते हो ब्लॉगिंग में। सो गाइस, टी पी लेते हैं एकदम कड़क वाली एंड मैं जो हूँ कुछ बुनाई वगैरह सीख रही हूँ। जब सीख जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कैसे मैंने ये वाला मोजा जो बनाया। और बहुत ही प्यारा मोजा है, मैंने ये सिर्फ पूछ पूछ के बनाया। अभी जब मैं इसको अच्छे से बना लूँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना।